दोस्तों आप पाकिस्तान टीम का ख्याल नहीं, पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी हुआ चोटी, जिस वजह से भारत का फैंस हुआ है खुशी के मारे झूम होता है। तो कौन है वो खिलाड़ी जो हो चुका है पूरा तरीके से चोटिल, बताएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले आप भी हो कौन सा टीम का फैन तो कमेंट में जरूर बताएं। आप भी चैन पर नहीं हो तो चैन को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आपका जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर पाकिस्तान और नेपाल के बीच पहला मुकाबला खेला गया था, एशिया कप का फर्स्ट मुकाबला, जहाँ पर 30 अगस्त को खेला गया था मुकाबला, जिसके बाद अभी जो 2 सितंबर को जो यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मुकाबला होने से पहले ही जो साइंस अफ्रीदी को लेके एक बहुत ही बड़ा खबर आ चुका है। ये दोस्तों साइंस अफ्रीदी तो नेपाल के खिलाफ जो 3 सबसे बड़ा बड़ा विकेट लिया है और बहुत ही कम रन देख के बहुत सारा विकेट भी लिया है, जिस वजह से आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस खिलाड़ी का जो घुटने पर बहुत ही पहले ही चोटिल था, लेकिन दोस्तों इनका चोट फिर से गंभीर हो चुका है, जिस वजह से अभी पूरा तरीके से इनको बैठा दिया गया है। और इस खिलाड़ी के वजह से पाकिस्तान टीम नेपाल के खिलाफ जीत पाया है। लेकिन दोस्तों अभी भारत के खिलाफ एक खिलाड़ी नहीं खेलते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं पर टीम पाकिस्तान भारत का सामने घुटने टेक सकता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर दुआ करें जितना जल्दी हो सके साइंस अफ्रीदी ठीक होकर अपना घर को लौट आए। आगे भी दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय हमको देने के लिए।